तो आखिरकार महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार गिर ही गई, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है, इसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। इसके लिए क्या बड़ी वजह सामने आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा सौंप दिया है? क्या अमित शाह और मोदी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है या नहीं? आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी स्पष्ट तौर पर मिलने वाली है। पहले हमने देखा था कि सुबह जब हमने आंख खोली तो देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ बीजेपी सरकार बन गई, लेकिन एक बार फिर से महाराष्ट्र में बाजी पलट चुकी है। जहां दोस्तों इस्तीफा अजीत पवार ने सौंपा, उसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने भी इस्तीफा सौंप दिया। और जो प्लॉट टेस्ट का दावा बीजेपी कर रही थी कि उसमें हम बहुमत साबित करेंगे, उसके पहले ही बीजेपी फेल हो चुकी है। ये बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो बीजेपी देवेंद्र फडणवीस अब रिकॉर्ड इनके नाम हो चुका है। 4 दिन के लिए सीएम बनने का रिकॉर्ड इनके नाम है। इससे पहले 3 दिन का रिकॉर्ड भी यहाँ पर बीएस येदियुरप्पा के नाम रहा है। और अब 4 दिन का जो रिकॉर्ड है वो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के लिए ये हो चुका है। 23 नवम्बर को उन्होंने शपथ ग्रहण की, 26 नवम्बर को उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। गठबंधन की सरकार, और एक ऐसी गठबंधन की सरकार जिसके खिलाफ आपने चुनाव लड़ा है, तो क्या इससे जनता खुश होती है या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अजीत पवार के साथ सरकार बनाने का फैसला मोदी जी का था, तो ये काफी नुकसानदायक हो सकता है आने वाले समय के लिए। लेकिन आज क्या हुआ, 10:45 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, लेकिन इसके बाद देखिए क्या तस्वीर बदलती है। 11 बजे अजीत पवार संघ पार्टी परिवार की बैठक, जो एनसीपी चाह रही थी कि अजीत पवार कैसे भी करके पार्टी में सम्मिलित हो जाएं, जो बीजेपी की उम्मीद है वो खत्म हो जाए, और ऐसा ही हुआ। दोपहर 1 बजे दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की गई, जो प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह की अगुवाई में की गई। अगर ये मीटिंग पहले होती तो ये देवेंद्र फडणवीस के हक में होती, तो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस अकेले तो नहीं पड़ गए। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बनता है, क्या फडणवीस का ही फैसला था अजीत पवार के साथ सरकार बनाने का? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह इसमें सम्मिलित नहीं थे? अगर सम्मिलित हैं तो ये बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है आने वाले समय के लिए। जहाँ दोस्तों दोपहर 2:30 बजे अजीत पवार का इस्तीफा फडणवीस को सौंपा गया, इसके बाद देवेंद्र फडणवीस के सामने कोई भी ऑप्शन नहीं था कि वो सरकार अपना बहुमत कल पेश कर पाए, इसलिए पहले ही यहाँ पर 3:30 पर देवेंद्र फडणवीस का भी इस्तीफा सामने आया, जिसके बाद अब महाराष्ट्र के अंदर नई सरकार बनने की उम्मीदें जाग उठी हैं। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि कल जो सीएम की मीटिंग की गई थी उसमें अजीत पवार नजर नहीं आए, इसके अनुमान लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं अजीत पवार एनसीपी के संपर्क में है और कहीं ना कहीं घर वापसी उनकी हो सकती है और बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है, और ऐसा ही हुआ। और सिर्फ यहाँ पर 78 घंटे में बीजेपी सरकार गिर गई, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस की छाप जो है वो बिगड़ चुकी है, और बीजेपी को भी बहुत बड़ा झटका होगा। गठबंधन की बनेगी सरकार, क्योंकि कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी अब बिल्कुल एकजुट है और बिल्कुल टूट नहीं है। हर पहलुओं पर यहाँ पर चर्चा की जा चुकी है। तो शरद पवार के चक्रव्यूह में फंस गए अजीत पवार, और कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि कांग्रेस और एनसीपी की रणनीति हो कि अजीत पवार को यहाँ पर बीजेपी में छोड़ दिया, जिससे बीजेपी की जो छाप है वो बिगड़े, ऐसे कुछ यहाँ पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। लेकिन तो आपको क्या लगता है, बीजेपी को इससे नुकसान होगा आने वाले समय में या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और जो गठबंधन की सरकार फिर बन रही है, क्योंकि विपक्ष है एक दूसरे के विरुद्ध लड़े हैं और अब साथ आ रहे हैं, तो ये कितना सही है नहीं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।